तेरे इसमाइल खान के द कॉलेज तुलबा तो द कॉलेज पखवानी बस चलवलो कोशिश शुरू कर दे तुलबा तो द कानून लसवा नह नवीन कॉलेज के पवलाड़ बस सिंगार गड़े हो द्वितम लरी छिदा बस बे ओरस ब्या द चले दो काबिल शी तफसील द वदूद महसूद पदे रिपोर्ट के गवर्नमेंट गर्ल डिग्री कॉलेज नंबर वन दून को जिनको अदकाल कम सल रही से वलाड बस पदा से डबल सिंगार कड़े चिदस्ता यने वड़ दे द कॉलेज तकड़स द कहून की वाई चदोई पूरा हसा कवि चिदा बस द चले दो काबिल कड़ी। हमने इसको रेनोवेट किया और पेंट किया और अभी इंशाल्लाह फर्दर मैम आफिया के साथ हमारा प्लान है कि इसको कैफेटेरिया में तब्दील करेंगे इंशाल्लाह से और हो सका तो इस पे इंतजाम करेंगे शायद ये बस चल भी पाए और कैंप वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं माफिया के पास परमिशन लेने गए थे कि हम इस बस को रिन्यू दोबारा कर सकते हैं तो फिर मैम ने कहा कि जी आप अपनी कोशिश पूरी करें तो फिर हमने इस बस को इतना काबिल बना दिया और अब हम इसको चलाने के भी काबिल करेंगे कि इसके नए टायर्स भी लगवाएंगे ताकि ये चल सके और ये ट्रांसपोर्ट के भी काम आ सके। द गवर्नमेंट गर्ल डिग्री कॉलेज नंबर वन प्रिंसिपल आफिया सादत वाई द तालबाट लखवा दा डबल मुस्बत सरगर्मी सरा द नोरोज द कौन को तामीरी फिकर लड़ी जी। इस सारी काविश के पीछे एक ये सोच भी थी कि हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं हमारी बाकी तमाम तालबात जो हैं उनका जहन भी इस तरफ जाना चाहिए कि ना सिर्फ कॉलेज में बल्कि अपने घरों में इर्द गिर्द भी उन्हें कोई भी इस तरह से चीज़ें नज़र आती हैं फालतू चीज़ें नज़र आती हैं तो उसमें रिक्रिएट कर सकें उसमें रिक्रिएशन का उनमें फीलिंग्स होनी चाहिए उनमें ये जज्बा होना चाहिए और वो उन रिक्रिएशन की मदद से इन चीज़ों को यूटिलाइज करें और उनको एक नए अच्छे प्रोजेक्ट में मुफीद प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकें। द कॉलेज दस द कौन को लखवा द डबल मुस्बत सरगर्मी ची द कॉलेज पखुला के मरस्त कवि द माशरे जहनीत बदलवलो के हम रस्त कवि वदूद महसूद मशरिक टी वी डेरा इस्माइल खान।